आकाशवाणी औरंगाबाद गौस मोहियुद्दीन से इलाकाई खबरें सुनिए। मुल्क भर के 542 लोकसभा हलके इंतखाबात में आज सुबह 8 बजे से रायशुमारी का अमल शुरू हो चुका है। इस मरतबा 8000 से ज्यादा उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इंतखाबी कमीशन की वेबसाइट पर अब से कुछ देर कबल तक शाये 57 नशिस्तों के रुझानात में 37 नशिस्तों पर NDA जबकि 16 नशिस्तों पर UPA को बरतरी हासिल है। सहपहर तक नतायज बरामद होने की उम्मीद है। रियासत में 48 मराकिज पर रायशुमारी की जा रही है, जिसमें से पालघर और भिवंडी हलकों में सबसे ज्यादा 35 फेरियों में रायशुमारी की जाएगी। इसी तरह गोंदिया और थाना हलके में फीकस 33 फेरियां, बीड़ और शिरूर हलके में 32 फेरियां होंगी, जबकि हाथकड़ंगले हलके में सबसे कम 17 फेरियों में रायशुमारी की जाएगी। आपके लिए आकाशवाणी से आज दिन भर आम इंतखाबात के वोटों की गिनती, नतायज और तजजिया नशर किया जाएगा। खुसूसी तौर पर आकाशवाणी औरंगाबाद के इलाकाई न्यूज इकाई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर और rnuaurangabad.blogspot.com पर भी नतायज बराह रास्त नशर किए जाएंगे। इसी दौरान इंतखाबी कमीशन ने हिजब इख्तिलाफ की उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें पहले VVPAT मशीन में रसीदों की जांच करने और बाद में रायशुमारी करने की दरखास्त की गई थी। कमीशन ने वाजह कर दिया है कि तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक पहले वोटों की गिनती होगी और बाद में रसीदों की जांच की जाएगी। ताहम इस मरतबा पोस्टल बैलेट की कसीर तादाद को मद्देनजर रखते हुए पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में महफूज रायदही एक साथ शुमार किए जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तर्जमान नवाब मलिक ने कहा है कि मरकज में BJP और उसकी दोस्त जमातों के कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA हुकूमत की बजाय उसकी मुतबादिल हुकूमत कायम करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार अहम किरदार अदा करेंगे। कल मुंबई में PTI से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इस मरतबा NDA को वाजह अक्सरियत हासिल नहीं होगी। मलिक ने इस यकीन का भी इजहार किया कि इस मरतबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी दर्ज करवाएगी। रियासती हुकूमत ने क़हत से निमटने के 13 मुख्तलिफ कामों के लिए अराकीन असम्बली के मकामी तरक्याती फंड का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस खसूस में कल सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस सिलसिले में इजहार ख्याल करते हुए ममलिकती वजीर ज़रात सदाभाऊ खोत ने बताया कि चारा छावनियों में सहूलियात की फरहमी के लिए इसमें खसूसी पेशबीनी की गई है। इसके अलावा पानी फराहमी के मुख्तलिफ कामों के लिए मस्कोरा फंड से रकम खर्च की जाएगी। रोजगार जमानती स्कीम के वजीर जयकुमार रावल ने क़हत के पेश नज़र महात्मा गांधी रोजगार जमानती स्कीम मनरेगा के कामों को जेली इलाकाई ऑफिसर की सतह पर मंजूरी करने का मशवरा दिया है। खुशकसाली के पेश नज़र कल मुंबई में मुनक़दा इजलास में वो इजहार ख्याल कर रहे थे। बीड़ हलके में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली साबिक़ वजीर जयदत्त क्षीरसागर ने कल शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने मखसूस अंदाज में पार्टी में उनका खैर मकदम किया। नांदेड़ वाघेला म्यूनिसिपल कारपोरेशन की मेयर शीला किशोर भोरे कल अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गईं। कल मुनक़दा आम इजलास में भोरे ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को अपना इस्तीफा पेश किया। मंजूरी के लिए उनका इस्तीफा इलाकाई कमिश्नर को इरसाल किया जाएगा, उसके बाद नए मेयर के इंतखाब का अमल शुरू होगा। अंबाजोगाई नगर परिषद के सदर के ओहदे पर भारतीय जनता पार्टी की सविता शशिकांत लोमटे का इंतखाब अमल में आया है। कल हुए रायदही में लोमटे को 22 वोट मिले। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंदड़ा ग्रुप के शेख खलील जलील को 16 वोटों से शिकस्त दी। लातूर चाकुर रास्ते पर आष्टा मोड़ गांव के करीब कल सुबह पेश आए हादसे में मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स का एक जवान जाबहक और दीगर दो जवान शदीद जख्मी हो गए। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि जीप में सवार ये जवान लातूर में वाक़े सरहदी हिफाजती दस्ते के तरबियती मरकज की समत जा रहे थे कि एक खानगी गाड़ी उनकी जीप से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। औरंगाबाद जिले में फुलंबरी तालुके के किनगांव में पीने का पानी फराहम करने के लिए कल सुबह खवातीन ने ग्राम पंचायत दफ्तर पर घड़ा मोर्चा निकालकर उसे मुखफल कर दिया। किनगांव में गुज़िश्ता 12 रोज से पानी फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से खवातीन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।